आज हम ऐसी ग्रेवी बनाएंगे जो सभी सब्जियों में आप डाल सकते हैं, भिंडी, छोला, पनीर, जो भी बनाना हो, आलू। तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, एक से 2 चम्मच हमने जीरा लिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे, जीरा को हल्का भूनेंगे। ये प्याज का हमारा जो है कैमरे में कवर नहीं हुआ है, तो 2 से 3 हमने प्याज ले लिया है और मीडियम साइज में काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च। इसे आप चलाते हुए पकाइए। आज हमारी ये ढाबा स्टाइल ग्रेवी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसे ढककर 5 मिनट तक हम पकाएंगे। और 5, 6 से 7 कलियाँ हमने लहसुन की डाल दी है और 1 टुकड़ा अदरक का डाल दिया है। इसे भी हल्का भून लेंगे। और ये देखिए, हमने टमाटर जो है ना 2 से 3 टमाटर लिया है हमने बड़े साइज के। तो इसको जो है तो अच्छे से भूनते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये सब्जी हमारी ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट से भी बहुत बेहतर बनेगी खाने में, अगर आप ऐसी ट्रिक से बनाएंगे तो। 5 से 6 मिनट तक ऐसे ढककर हमें पकाना, बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहना है। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया, इससे जो है सब्ज़ी जल्दी पकती है। जो हमने प्याज और टमाटर डाला है ये जल्दी पक जाता है। इसे चलाते हुए ऐसे बीच बीच में, जिससे ये हमारा सब्ज़ी जो है नीचे से लगे नहीं। ये देखिए, इसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टमाटर हमारे सिझ गए हैं। इसमें हम काजू ऐड कर देंगे। 15 मिनट के लिए पानी में डुबो कर रख दिया था। 8 से 10 कलियां हैं काजू की। एक पैन लेते हैं, 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे। इसमें हम ऑयल, एक हमने बड़ी इलायची डाला है और तेज पत्ता डाला है। इसको हल्का सा भून लेंगे। अब मसाले हमने जो लिया है, 2 चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर और 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। इसको हम डाल के चलाएंगे, इसे जलने नहीं देंगे। जल्दी हम पेस्ट डालेंगे जिससे हमारा ये मसाला जले नहीं, और पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे जब तक ऑयल रिलीज ना हो जाए। ये देखिए, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया है 1 चम्मच। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमने अदरक और लहसुन तो पहले भी डाला है। इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया है। अब इसे ढक कर थोड़ा सा, जिसे छींटे नहीं पड़े इसलिए ढक कर थोड़ा थोड़ा देर में ऐसे पकाते रहिए 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा हमने ये गरम मसाला ऐड किया है 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी ऐड किया था पेस्ट बनाने से पहले, तो 1 चम्मच डालेंगे। छोटा चम्मच है नमक का, 1 TSP। इसमें थोड़ा सा हम दही डालेंगे, दही का जो है टेक्सचर बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इससे हलवाई स्टाइल लुक भी आएगा, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। हलवाई लोग क्या करते हैं, ऐसी तो ग्रेवी बनाते हैं जो इतनी टेस्टफुल होता है, तो हमें ऐसे ही करना है। तो ऐसी सेम प्रोसेस से बिल्कुल लो फ्लेम पर, दही डाला है तो लो फ्लेम पर बिल्कुल ऐसे चलाते हुए पकाना है जिससे हमारा दही फटे नहीं। ये देखिए, हमारी ग्रेवी अभी से कितनी अच्छी लग रही है। इसे 5 मिनट तक और ऐसे ही ढककर पकाएंगे जिससे छींटे नहीं पड़े, इसलिए इसे बीच बीच में हमने चलाया है। आप भी बीच बीच में ऐसे चलाते हुए पकाइए। 1 से 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड कर देते हैं, इससे और अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए, हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी रेडी हो गई है। ये देखिए, हमारी ग्रेवी जो है रेडी, देखिए ये है ना हलवाई स्टाइल। ये ग्रेवी तो रेडी हो गई, अब हम इसे यूज बताते हैं कैसे करना है। इसके लिए हमने फ्रोजन मटर लिया है जो हमने पानी से धो लिया था, और 3 से 4 चम्मच हमने जो ग्रेवी पेस्ट बनाया था तो वो ग्रेवी को हमने डाल दिया है इसमें। फ्रोजन मटर ऐड करके थोड़ा सा चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, जितना अपना आप थिक खाना चाहते हैं या पतला खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए। और ये देखिए, हमने पनीर जो तल के रख लिए थे वो पनीर ऐड कर लेंगे। हल्का भूनेंगे पनीर को, तल लेंगे, उसको अलग कर लिया था हमने। ये देखिए, ये हमारी जो है सब्जी रेडी हो गई, मटर पनीर की सब्जी। आप मेहमान आए, जब भी आए तो जब जल्दबाजी में इसे बनाइए, ग्रेवी रख लीजिए 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके आप, और ऐसे यूज करिए। ये देखिए, हमारी सब्जी कितनी अच्छी रेडी हो गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। आप रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ बहुत अच्छी लगने वाली है। खाइए और इंजॉय।